जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2024 के बारे में। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अब इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं बात करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, कैसे आपको फॉर्म भरना है इसके बारे में। और गाइस, ये फॉर्म वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपका फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं करिएगा, ओके। सो बिकॉज एडिटिंग चालू है अभी फिलहाल, तो एक महीने का विंडो है, बट अगर कुछ मिस्टेक हो गया और एडिटिंग बंद हो गई तो दिक्कत हो सकती है, स्पेशली सेंटर सिलेक्शन में। सो यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक इनटू फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एंड गाइस, 2024 के लिए ना हमारे पास बैचेस चल रही है, बैच 3 हमारा चल रहा है। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335, और यू कैन ऑल्सो विजिट टू आवर वेबसाइट विदितएजुकेशन.com। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर एंड गाइस, ओके। सो अब चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना है तो कैसे करेंगे। तो हियर वी आर, ये इसके पहले एक नोटिस था, AAC ऑनलाइन एप्लीकेशन नोटिस, ओके। तो अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा न्यू यूज़र करके, ओके। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड और साइन इन करना है। और गाइस, एक चीज़ और बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए शायद देर हो जाए, क्रिएट पासवर्ड के लिए देर हो जाए, तो वेट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल वेरिफिकेशन लेट भी आता है, मुझे भी काफ़ी टाइम बाद आया था। सो डोंट, यू शुड नॉट पैनिक। आपका एक प्रोफाइल बनेगा, जैसे यहाँ पे है प्रोफाइल है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको भरना है, आपका एड्रेस, ये वो सारी चीज़ें, ओके। 12th स्टैंडर्ड के डिटेल्स है, अगर आप पास हो तो आपको पास लिखना है, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, ओके। नाउ रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे आप नीचे सबसे लास्ट में आएंगे तो फाइन आर्ट्स रजिस्टर, ओके। नाउ यार, हियर यू कैन डाउनलोड्स में एक आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर होगा, ओके। सो ये आपको इसमें दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में, ऑनलाइन एग्जाम स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। ये सारी चीज़ें, राइटर, स्क्राइब, लीगल ज्यूरिडिक्शन, एवरीथिंग इट इज़ गिवन। मतलब ये एक तरीके का गाइडलाइन प्रैक्टिसिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो पेपर वन, ये मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगा कि कैसे क्या करना है आपको, बट फिलहाल ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, ओके। नाउ दिस इज कैंडिडेट प्रोफाइल, यहाँ से आपको अब रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। सो आई हैव रेड ऑल द इन्फॉर्मेशन, ये आपको सारे सर्टिफिकेट्स है। जनरल कैटेगरी के लिए 1900 रुपये फॉर्म का प्राइस है, और रिजर्वेशन के लिए 1400 फॉर्म का प्राइस है, तो ये आपको भरना है, ओके। एंड ऑर्फन वगैरह है या जेंडर है तो अदर कैंडिडेट्स आल्सो 1400, ओके। सो आई हैव एक्सेप्टेड ये। नाउ अब जैसे कि मैंने भर दिया था तो मेल, ये सब जेंडर वगैरह तो आ गया है और एड्रेस भी आ गया है। सो यहाँ पे अब आपको ये कोड वगैरह, ये आपको पहले ही आपके पहले प्रोफाइल में जब आप जैसे रजिस्टर करोगे ना न्यू यूज़र करके, तो आपको वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एंटर सिक्योरिटी पिन, सो ये सिक्योरिटी पिन आपको अच्छे से भरना है। OTP सेंड होगा आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे, वेरीफाई OTP। सो ये आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, ओके। आपको व्हाट्सएप मैसेज भी आएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन है तो दैट विल ऑल्सो कम ऑन योर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसी से आपका एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन नंबर से आपका हॉल टिकट डाउनलोड होगा, तो ये इसका आप एक फ़ोटो निकाल लो। तो प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे देखिए, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो है रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल्स, ये अभी तक भरी नहीं गए। तो डोमिसाइल कैटेगरी तो इनकम्प्लीट है, तो इस पर मैंने क्लिक किया, अरे डोमिसाइल स्टेट यस, सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, तो कैटेगरी है तो जो भी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, इकोनॉमिकली नो अगर करना है, नो यस करना है तो यस, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो मस्ट से यस, बिकॉज इसका बेनिफिट मिलेगा आपको मेरिट में, ओके। कास्ट नेम एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस है तो यस, नो है तो नो, ओके। ऑर्फन हो या नहीं हो आप उसके ऊपर, सेव एंड प्रोसीड। सो पर्सनल डिटेल मैंने दे दिया, ओके। सो ये आपका 10वीं का है। नाउ यहाँ पे आप देखिए सिलेक्ट डिविजन, ओके। हाँ, यहाँ पे स्पेसिफाई महाराष्ट्र AAC CET एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, ओके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेंटर डिटेल्स। अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट को है, अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट तमिलनाडु के हैं या फिर केरला के हैं, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के,
तो यहाँ सब सारे स्टूडेंट हैं तो इनको सेंटर सिलेक्शन में काफ़ी दिक्कत होती है। तो सेंटर डिटेल्स डालना है तो आप कैसे डालोगे? तो जो भी नियर बाय है, तो मैं सबसे पहले पुणे डाल देता हूँ, सिलेक्ट डिवीजन या कोंकण। हाँ कोंकण, अगर आपको मुंबई सेंटर चाहिए तो कोंकण डिवीजन आपको डालना है, ओके। या पुणे सेंटर चाहिए तो पुणे डिवीजन डालना है। नासिक वगैरह में चाहिए तो आपको अमरावती सेंटर डालना है, या नासिक, हाँ नासिक डिवीजन भी दिया है। नागपुर चाहिए या औरंगाबाद डिवीजन है तो उसके डिवीजन के हिसाब से। मुंबई के लिए कोंकण है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सो मुंबई सिटी, ओके। एग्जाम सेंटर सो जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। देखो एग्जाम सेंटर भी सिलेक्ट हो गया, सेवन प्रोसीड, ओके। अब अपलोड टाइप फोटो, तो सिलेक्ट फोटोग्राफ, तो अभी ओपन, तो ये फोटो मैंने ले लिया, ओके अपलोड, कैन सी फोटो अपलोड हो गया। अब सिग्नेचर ओपन, अपलोड, सेवन प्रोसीड, ओके। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आधार कार्ड अपलोड कर दिया, सेवन प्रोसीड, ओके। देखिए ये मेरा फॉर्म भर के रेडी हो गया, विद इन फाइव मिनट्स मैंने ये रेडी कर दिया, तो फोटो वगैरह सब कुछ। प्रोसीड फॉर पेमेंट, यस, ओके। एप्लीकेशन फीस वगैरह जो भी है 1900 रुपये मुझे भरना है, 1900, बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड ओपन कैटेगरी। प्रोसीड टू पेमेंट, नाउ यहाँ पे रेजर पे है, ओके आई एग्री, प्रोसीड। यहाँ पे आप देखेंगे तो UPI, जीपे वगैरह, अगर आपको ना कार्ड बैंकिंग करना है, नेट बैंकिंग करना है, तो बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, UPI ID वगैरह डालना है, और आपको सीधा आपके रजिस्टर नंबर पे आ जाएगा और पे नाउ करना है। सो दैट्स इट, इतना ही फॉर्म भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करिएगा, और कुछ भी डाउट है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।